नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी दुर्घटना के प्रसंग से। काठमांडूक कागेश्वरी मनोहरा नगर पालिका साथ खहरे चौक में टिपर के ठक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक गोटे के जान गेल, एक गोटे घायल भेल। काल रात ना 5 ख 80 84 नंबर के टिपर 52 54 69 नंबर के मोटरसाइकिल के ठक्कर देने चल। ठक्कर से घायल भेल मोटरसाइकिल सवार सिंधुपाल चौक के जुगल गांव पालिका 4 के 20 वर्षक श्याम बिक के जान गेल। प्रहरी जनौलक घायल भेल 23 वर्षक निशान बिक के ट्रॉमा सेंटर काठमांडू में उपचार भ रहल है। ठक्कर देला बाद भागल टिपर चालक के खोजी भ रहल प्रहरी जनौलक। धनसा में कांग्रेसक कार्यकर्ताओं पर दबिया प्रहार के आरोप में 2 गोटे पकड़ायल। घटना में संलग्न रहल आरोप में प्रहरी खरिहानी रहनिहार 39 वर्षक सतीश कापर आ ओहिठामक 66 वर्षक चंद्र कापर के इलाका प्रहरी कार्यालय सबेला जनौलक। कांग्रेस सोम दिन जनकपुर में निकालने विरोध कार्यक्रम में सहभागी भकर घर घूर रहल धनसाक सबैला नगर पालिका 10 खरिहानी रहनिहार उमेश कापर ऊपर दबिया प्रहार भेल छल। सत्तारूढ़ संघीय समाजवादी फोरम नेपाल पार्टी के प्रतिनिधि सभा के सांसद हरि नारायण प्रसाद शाह रौनियार के निलंबन तत्काल फुकुआ कर मांग करत सभामुख कृष्ण बहादुर महरा के ज्ञापन पत्र बुझौलक। उपेन्द्र यादव नेतृत्व के संघीय समाजवादी फोरम नेपाल पार्टी के पर्सा क्षेत्र नंबर 3 के प्रतिनिधि सभा सांसद रौनियार के संविधान आ प्रतिनिधि सभा नियमावली विपरीत निलंबन के निष्कर्ष निकालत तत्काल फुकुआ कर मांग करत आय सभामुख महरा के ज्ञापन पत्र बुझौलक। सांसद रौनियार प्रमुख रहल पप्पू कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कार्य सूची में पड़ला बाद संघीय संसद सचिवालय बीतलासिन 19 गते सांसद रौनियार के निलंबन केने छल। ई निलंबन संविधान आ प्रतिनिधि सभा नियमावली विपरीत रहला से सांसद रौनियार के निलंबन तत्काल फुकुआ कक संघीय संसदीय गतिविधि में सहभागी कराब मांग करत सभामुख महरा के ज्ञापन पत्र बुझाओल गेल। संघीय समाजवादी फोरम नेपालक महासचिव राम सहाय प्रसाद यादव जानकारी दलन। संसदीय दल को बैठक ले करे को निर्णय आज सभामुख जो संघीय संसद सचिवालय में जून 6 महीना 2075 6/19 गते जुन सूचना जारी करें माननीय सांसद हरिनारायण प्रसाद सारौनियारलाई जो निलंबन गरिएको सूचना जारी गरे त्यो सूचना चाहिँ संविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को विपरीत रहेको ठहर गरेको छ संसदीय दलले र यो चाहिँ सच्याएर यो चाहिँ फिर्ता गरेर यो निलंबन को सूचना फिर्ता लिएर माननीय आफ्नो हरिनारायण प्रसाद सारौनियारलाई संसद को गतिविधि में आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न दिनु पर्छन् भन्ने संसदीय दलले गरेको निर्णय सभामुख ज्यूलाई हामी जानकारी गराएका छौं। संघीय समाजवादी फोरम नेपालक बितल माघ 18 गते बैसल पार्टी संसदीय दलक बैसार संविधान आ प्रतिनिधि सभा नियमावली विपरीत पार्टी के सांसद रौनियार के संघीय संसद सचिवालय निलंबन केने ठहर करत तत्काल फुकुआ कर सभामुख महरा के ज्ञापन पत्र बुझेबाक निर्णय केने छल। एहि निर्णय अनुसार पार्टी आई ई संबंध में सभामुख महरा के ध्यान आकर्षण करौलक। प्रदेश दूक मुख्यमंत्री मोहम्मद लाल बाबू राउत मधेशक बेटी अब पढ़ के बेरोजगार नहीं बैसबाक प्रतिबद्धता जनौलन। सिरहाक गोल बाजार में काल तामांग जात के नववर्ष सोनाम लोसार के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राउत एहन प्रतिबद्धता जनौलन। ओ प्रदेश सरकार तुरंत पास के ने प्रहरी एन तथा निजामती एन महिला के 50% आरक्षण व्यवस्था के ने बतौलन। महिला के 50% आरक्षण के व्यवस्था केला बाद मधेश में विकराल देखल बेरोजगारी के समस्या किछ हद धरि समाधान हेबाक दावी समेत कलन। ओ कोनो जात धर्म व संस्कृति के पावन में एक दिन विदा देला से विकास निर्माण में कोनो बाधा नहीं हेबाक बतौलन। कोनो समुदाय के संस्कृति तथा पावन में विभेद नहीं कैल जेबाक तर्क समेत रखलन। मालपोत कार्यालय में काम पारदर्शी नहीं भ रहल घूस बिना कोनो काम नहीं भ रहल सेवाग्राही के आरोप रहित आयल छल। या उपरा के ध्यान में राख सरकार देशक अधिकांश मालपोत कार्यालय के ऑनलाइन प्रणाली में लग गेल। ननसा स्थित मालपोत कार्यालय में सेहो ऑनलाइन सेवा शुरू कैल गेल मुदा समय समय में नेटवर्क आ सर्वर प्रभावित भेला से सेवाग्राही घंटों लाइन बैस बाध्य रहल। एक रिपोर्ट। मालपोत कार्यालय में बिना घूस देने कोनो काजे नहीं भ रहल उपराग नया नहीं छे। ई आरोप नेपालक सब मालपोत कार्यालय ऊपर लागत आयल छे। इहे आरोप के ध्यान में राख नेपाल सरकार देशक सब जिला में भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय में ऑनलाइन सेवा से काज शुरू केने छे। अखन देशक अधिकांश मालपोत कार्यालय ऑनलाइन सेवा शुरू कर चुकल छे जाय में से धनुषा में रहल भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय सेहो रहल छे। धनुषा में अगहन 18 गते से
ऑनलाइन मार्फत काज भ रहल छे, मुदा सेवाग्राही के समस्या नहीं घटल छे। कमजोर नेटवर्क तथा सर्वर समय समय में काज नहीं केला सा सेवाग्राही घंटों धरि लाइन लागब बाध्य बनत आयल छे। ओ सब ऑनलाइन सा सेवा प्रवाह होवे लगला बाद काम पारदर्शी भेला पर प्रविधि दुरुस्त नहीं भेला सा ढिलाई भ रहल बताई रहल छे। सर्वर निक से काज नहीं केला सा एकेटा काज कर घंटों धरि लाइन बैस पड़ रहल आ दू तीन दिन धरि लागत आयल सेहो ओ सब उपराग क रहल छे। एम्हर कार्यालय प्रमुख राम बाबू मंडल कमजोर नेटवर्क आ सर्वर के कारण से काम में ढिलाई भेल स्वीकार करैत समस्या समाधानक लेल प्रयास क रहल बताय रहल छथि। ओ केंद्र में रहल सर्वरे से सब जिला के मालपोत कार्यालय काज क रहला से सेहो समस्या भेल कहैत प्रदेश दू में अलगे सर्वर राखबाक लेल काज भ रहल सेहो बताय रहल छथि। अखन काठमांडू में रहल सर्वर से 46 जिला के काज होत आयल छे। कार्यालय प्रमुख मंडल कर्मचारी के अभावक कारण से किछ ढिलाई होत आयल बताय रहल छथि। ओ 58 गोटे के दरबंदी भेलो पर ओहि अनुसार जनशक्ति नहीं रहल सेहो हुनक उपराग अछि। ऑनलाइन सेवा से की सहज सरलीकृत फार्म नाम दिल गेल फार्म भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय वा और ऑनलाइन से डाउनलोड कैल जा सकैया। ऑनलाइन सेवा से काज करैत काल शुरू में एक बेर मात्र साक्षी के आवश्यकता पड़े छे। एकर बाद कतेको बेर जमीन किन बेच केलो पर साक्षी राह नहीं पड़े छे। ऑनलाइन सेवा शुरू भेला बाद जमीनक अभिलेख सुरक्षित रहबाक, श्रेष्ठता व्यवस्थापन हेबाक, राजनामा पुर्जा लिखत रोक्का फुकुआ हकबंदी सहित काज पारदर्शी हेबाक निश्चित भेल छै। तहिना
फारम आ तमसुक लिखवाक झंझट से हटल छे। ऑनलाइन में विवरण राखला बाद देश भर कौन व्यक्ति के जमीन कते रहल से जानकारी पाइब सकय। ऐ सेवा से जमीन किनवेचक कर में एकरूपता हेवाक आ कार्यालय के सब तथ्यांक प्रभावकारी रहे छे। अतवे नहीं एक गोटे के जमीन धोखाधड़ी क दोसर के बेचबाक जेहन समस्या से आब मुक्ति भेटल छे। कंप्यूटर प्रणाली में जमीनक क्षेत्रफल कित्ता नंबर जमीन रहल स्थानक नाम व्यक्ति के परिचय खोजा वाला विवरण से राखल जाए। एना क ऑनलाइन प्रणाली से जमीन पास करत काल आर्थिक अनियमितता कम हेबाक सरकारक विश्वास छे। कार्यालय से होत आयल सब किसिमक काज के जल्दी आ सहज रूप में संचालन कर ऑनलाइन सेवा शुरू कैल गेल छे। मुदा नेटवर्क आ सर्वर में होत आयल गड़बड़ी से सेवाग्राही के समस्या पूर्ण रूप में नहीं घटल छे। तैं आब सरकार से एहि दिस ध्यान देव आवश्यक छे। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में विद्यानंद झा के संग राजेश झा के रिपोर्ट। ननसाक लक्ष्मीनिया गांवपालिका में कुष्ठ रोग निवारण अभियान शुरू होबय लागल अछि। लक्ष्मीनिया गांवपालिका काल्हि कार्यक्रम क कुष्ठ रोग निवारण अभियान के विषय जानकारी देलक अछि। गांवपालिका मार्ग 25-29 गते धरि ई अभियान शुरू करय लागल अछि। अभियान अंतर्गत हरेक दिन 40 घर क 5 दिन धरि गांवपालिका भीतर के कुष्ठ रोग निवारण अभियान चलाओल जायत। एकर लेल एक महिला आ एक पुरुष क 36 टोली घर घर पहुँच कर कुष्ठ रोगी के पहचान करत। सब वार्ड से जो होती जे बहुत कुछ की भेलो रहै छै त ई लोग के छब्बे के लागि बहुत लोग करै छै कोनो काम कहे हमरा घाव है फलना है चिल्ला लेकिन कुछ लोग रहै छै तै सब के लक माने माने सर्वे के अंतर में माने सर्वेक्षण क दे के लेल प्रत्येक वार्ड से कर का तब एक चोटी जे गांव पालिका में पड़ी जे एते आदमी के कुछ लोग ए गांव पालिका में है। महिला में त दे बुझबे करै छी कि हर जगह पर जखने कहते कि देखावे के लेल त नहीं देखा सके तो तै लगे हम सब सोचलिए कि श्याम जी सर कहलखिन है तो हम सब घर देलो करिए 31 कते पिछला एक महिला एक पुरुष करके टीम बना के एक गांव में एक दिन में मतलब एगो कते 45 घर सकावे के लागि 5 दिन के 40 घर 5 दिन सब तक ला करे के छै। कार्यक्रम में स्वास्थ्यकर्मी श्याम राय दलित तथा विपन्न समुदाय के कुष्ठ रोगी चेतना के अभाव में अस्पताल धरि नहीं पहुँचल कहत कुष्ठ रोग के इलाज करौला पर 6 महीना से 1 वर्ष में ठीक हेबाक बतौलन। कुष्ठ रोग में की गलत ओकर प्रकार बांट दिलक दू प्रकार के कुष्ठ रोगी कम असर वाला आ बेसी असर वाला। ओ दागे में देख लियो दाग सीधा रहले दाग उठल रहले ने त कम असर वाला के 6 महीना दवाई खाए पड़े छै डेली आ बेसी असर वाला के 1 वर्ष दवाई खाए पड़े छै तो ओकरा एमबी कहै छै मेडिकल भाषा में। 6 महीना वाला के पीबी कहलक पॉसी बेसिलरी कम बैक्टीरिया भी करे बेसी वाला के मल्टी बेसिलरी कहे छै ओकरा 1 वर्ष खराब पड़े छै दवाई एकदम 100% सक्सेस है। कुष्ठ रोग इलाज निःशुल्क रूप में भ रहल अछि। नेपाल में 2065 साल में कुष्ठ रोग निवारण के घोषणा कयल गेल छल मुदा कुष्ठ रोगी भेटबाक क्रम एखनो जारी रहल अछि। विशेष कऽ कऽ मधेशक जिला में कुष्ठ रोग भेटल लगला बाद सरकार सन 2020 धरि में पूर्ण रूप में कुष्ठ रोग निवारण करबाक लक्ष्य लेलक अछि। सरकार छाम मुगु सुरखेत बर्दिया कपिलवस्तु नवलपरासी चितवन परसा बारा रौथर सरलाही महोत्तरी धनुषा सिरहा सुसरी मोरंग आ झापा क 18 जिला के सन 2020 धरि कुष्ठ रोग निवारण करबाक लक्ष्य लेलक अछि। संघीय संसदक शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अंतर्गत के स्वास्थ्य उप समिति सरकार सक्रियता नहीं देखौला पर देशक स्वास्थ्य क्षेत्र में गंभीर चुनौती हेबाक निष्कर्ष निकाललक अछि। समिति अंतर्गत के स्वास्थ्य उप समिति काल समिति के बुझौने प्रतिवेदन में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय अपन काज में सक्रियता नहीं देखौला से देशक स्वास्थ्य क्षेत्र में गंभीर चुनौती खाड़ भेल लिखल अछि। संबंधित मंत्रालय सक्रियता के संग अपन काज नहीं केला पर देशक स्वास्थ्य क्षेत्र में गंभीर चुनौती खड़ा हेबाक देखल गेल। उप समिति के संयोजक खगराज अधिकारी जानकारी देलन स्वास्थ्य मंत्रालय आय अंतर्गत के अस्पताल सब संग अंतरक्रिया क तैयार कयल गेल ई प्रतिवेदन में जनताक सेवा प्रवाह में गंभीर समस्या हेबाक देखल गेल। कहत ई समस्या समाधानक लेल सरकार के सक्रियता के संग काज करय सेहो सचेत करौलक अछि। त्यो दिनदेखि
उपसमिति सब पालिका सब में अस्पताल बनाकर परिचालन के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सरकार के सचेत कराओल गेल जेबाक बतौलक अछि। तहिना केंद्रीय अस्पताल सबक फार्मेसी इमरजेंसी आईसीयू सीसीयू जनरल तथा ओपीडी न्यूनतम मापदंड सेहो नहि भेल कहैत एहि के उचित व्यवस्था कयल जेबाक मांग कयलक अछि। संघीय संसदक शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में देखल गेल समस्या तत्काल समाधान हेबाक स्थलगत अध्ययन कर उपसमिति गठन कयलक अछि। समिति के आइसिंह दरबार बैसल बैसा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में देखल गेल समस्या तत्काल समाधान हेबाक स्थलगत अध्ययन कर 5 सदस्यीय उपसमिति गठन करबाक निर्णय कयलक अछि। खगराज अधिकारी संयोजक रहल उपसमिति में अंजना विशंखे गजेंद्र बहादुर महत एकवाल मिया आ नमिता कुमारी चौधरी सदस्य रहल। समिति के सभापति जयपुरी घरती मगर जानकारी देलने अछि। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में यथाभावी कर्मचारी हटेबाक नया नियुक्ति करबाक काज पदाधिकारी से भेला बाद ओहि अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक लगायत के कर्मचारी सब आंदोलित भेला से स्वास्थ्य इलाज करायल बिरामी सब परेशान भेल अछि। अगला फागुन 3, 4 और 5 गते काठमांडू के भ्रिकुटी मंडप में कर्णाली बृहत प्रदर्शनी होबय लागल अछि। देश के समृद्ध बनेबाक संभावना सबक संग खानी रहल कर्णाली के समग्र पक्षक विषय में पूरा देश के जानकारी करबाक उद्देश्य के संग ई प्रदर्शनी काठमांडू में करय लागल अछि। कर्णाली प्रदेशक संभावना के खानी सब के विषय में पूरा देश के जानकारी करबाक उद्देश्य के संग ई प्रदर्शनी काठमांडू में आयोजित करबाक निर्णय लेल गेल। प्रदर्शनी आयोजक समिति के संयोजक उपेन्द्र शाही जानकारी देलनि। आई काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन का कर्णाली के सभ्यता संस्कृति आ प्राकृतिक संपदा के दृष्टि से संपन्न भेला से एहि विषय में काठमांडू के विस्तृत जानकारी करबाक सामग्री प्रदर्शनी रखबाक सेहो बतौलन। इंग्लिश में हामीले अझै एलाई पनि बेटर भनौं न शोकेसिंग द मैग्निफिसेंस अफ आवर पास्ट एंड पॉसिबिलिटीज अफ आवर फ्यूचर भनेछ नि एक्सपो भनेछ एक्सपोज गर्ने कर्णाली के देखाउने कर्णाली का जो सकारात्मक पाटाहरु छन् प्राकृतिक सुन्दरता होला खस भाषा र सभ्यताका कुराहरू होलान् प्रणालीका जुन लगानीका सम्भावनाहरू होलान् प्रणालीका जे जति सम्भावनाहरू छन् प्रणालीले भोलि केमा टेकेर चाहिँ समृद्ध हुने ती सबै आधारहरू चाहिँ हामीले देखाउन सक्नुपर्छ आम मान्छेलाई देखाउन सक्नुपर्छ काठमाडौँबाट देश र विदेशमा देखाउन सक्नुपर्छ त्यसले दुईवटा कुरा हुन्छ भन्ने लाग्यो एउटा प्रणालीका जो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एउटा गर्वको अनुभूति हुन्छ ए बा हामी त यस्तो पो रहेछौँ त आजसम्म हामीलाई जे भनियो त्यो त अलिकति प्रदर्शनी में 1,00,000 से बेसी लोक अवलोकन करबाक अपेक्षा कयल गेल अछि। प्रदर्शनी में कर्णाली प्रदेशक पर्यटन कृषि जड़ी बूटी तथा जल विद्युत क्षेत्र के संभावना आ ओहि के लेल आवश्यक लगानी के विषय में सेहो विस्तृत जानकारी लेबाक व्यवस्था कयल जायत। विजिट नेपाल 2020 के सफल बनाबे सेहो ई प्रदर्शनी उपयोगी हेबाक अपेक्षा कयल गेल अछि। बेस्त अपन समाचार एखन लैत वएह पल पल खबर तेज नजर देखित रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।